हमारे घर के दरवाजे पर अगर कोई दान मांगे तो हम अक्सर दरवाजा बंद कर लेते हैं। और राजधानी दिल्ली में एक ऐसे ही बाबा हैं जिन्हें देखकर लोगों के घर के दरवाजे खुल जाते हैं। जी हाँ, आप सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ये बाबा कौन सा है जिसको देखकर लोग अपना दरवाजा खोल देते हैं या जिनको देखकर दरवाजा खुल जाता है। ये बाबा लोगों से दान में पैसे नहीं बल्कि दवाइयां मांगते हैं। आप ये भी सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि आज तक बाबा को आपने दान में कपड़े और पैसा मांगते हुए देखा होगा, लेकिन ये कौन सा बाबा है जो पैसे नहीं बल्कि दवाइयां मांगता है? क्या कभी आपने सोचा है कि इस्तेमाल के बाद बची जो दवा आप फेंक देते हैं वो किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है? हम आपको बता दें कि 2008 में लक्ष्मी नगर में मेट्रो के साइड पर जो हादसा हुआ था उसने कुछ मजदूरों की जान ले ली। हादसे में तमाशबीनों में एक इंसान ऐसा भी था जो घायल मजदूरों के पीछे अस्पताल तक गया। वहां उसने देखा कि मजदूरों को मामूली मरहम पट्टी करने के बाद ये कहकर वापस भेजा जा रहा है कि दवाएं नहीं है, खरीद के लाओ तो इलाज कर देंगे। मजदूर मायूस होकर वापस चले गए, लेकिन एक इंसान नहीं गया और वे थे मेडिसिन बाबा। जी हाँ, आपने बहुत से बाबाओं का नाम सुना होगा, आपने गूगल बाबा का भी नाम सुना होगा, लेकिन क्या आप मेडिसिन बाबा का नाम सुने हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि मेडिसिन बाबा क्या है और इनकी कहानी क्या है, कैसे नाम इनका पड़ा मेडिसिन बाबा। मेडिसिन बाबा का नाम ओमकार नाथ है। साथ का सरनेम वो नहीं लगाते क्योंकि उनका मानना है कि पहले आदमी को इंसान बनना चाहिए, उसके बाद जाति और धर्म होता है। अब तो बाबा इस नाम के मोह में से ऊपर उठ चुके हैं, अपना परिचय मेडिसिन बाबा के तौर पर दे देते हैं। बाबा ने अपनी जिंदगी में ज्यादा कमाई नहीं की, किसी नामचीन कॉलोनी के घर में नहीं थे, बस्ती में किराए के घर में अपनी पत्नी और मानसिक रूप से विकलांग बेटे के साथ रहते हैं। दवाएं जमा करने के लिए मेडिसिन बाबा दिल्ली के ऐसे इलाकों में घूमते हैं जहां समृद्ध परिवार रहते हैं और जो महंगी दवा दान कर सकते हैं। बाबा रोज सुबह एक भगवा कुर्ता पहनकर मंगलापुरी के अपने घर से निकलकर शहर के अलग अलग इलाकों में जाते हैं और केसर रंग का कुर्ता पैजामा पहने जब वे सड़कों पर निकलते हैं तो लोगों के बीच कौतूहल बन जाता है। लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ये बाबा कौन है। आवाज लगा लगा कर लोगों से वो दवाएं देने को कहते हैं, वो उनके लिए बेकार है। बाबा के कुर्ते पर आगे हिंदी में और पीछे अंग्रेजी में चलता फिरता मेडिसिन बैंक लिखा होता है। सोचिए, हमारे दिल्ली में भी ऐसे बाबा हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं है। बाबा के कुर्ते में लिखा होता है चलता फिरता मेडिसिन बैंक। आपने बहुत से बैंकों का नाम सुना होगा, पंजाब बैंक, SBI बैंक, यूनियन बैंक, लेकिन आप चलता फिरता मेडिसिन बैंक का नाम नहीं सुने होंगे जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। साथ में उनके नंबर की भी कोई दवाएं देना या फिर लेना चाहे तो उन तक पहुंच सकता है। यानी इस बैंक में सारी मेडिसिन होती है और नंबरों का हेर फेर होता है और आपके नंबर से मेडिसिन मिल जाती है, चाहे कोई महंगी हो या सस्ती हो, हर प्रकार की दवाएं मेडिसिन बाबा के बैंक में होती है। DTC बस में अपना सीनियर सिटीजन पास लिए जहाँ बस नहीं पहुँचती वहाँ पैदल भी ये बाबा चलते हैं। बचपन में 12 की उम्र में एक्सीडेंट में एक पैर टेढ़ा हो जाने के बाद मेडिसिन बाबा उसके बाद भी 5-6 किलोमीटर चल लेते हैं। शुरू में लोगों को उन पर भरोसा नहीं हुआ, तरह तरह के सवाल भी पूछे जाते थे, कुछ उल जलूल बातें भी करते थे तो कुछ उनका हौसला भी तोड़ने वाले हुआ करते थे। पहले लोग कहते थे कि इससे भीख मांगने का नया तरीका निकाल लिया है, लेकिन मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था, ऐसा बाबा का कहना है। अब तो आप समझ गए होंगे कि कौन से बाबा। जी हाँ, ये मेडिसिन बाबा का कहना है कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट वालों ने कार्यवाही की धमकी दी कि बिना लाइसेंस दवाएं बांटते हो अंदर कर दिए जाओगे, लेकिन बाबा लगे रहे और धीरे धीरे सब पटरी पर आने लगे। बाबा ने कहा कि हम परोपकार के लिए करते हैं और उपकार करना कोई गलत काम नहीं है। लोग साथ आने लगे, अब उनके नाम से एक पूरा ट्रस्ट खड़ा हो गया। इसी काम से जुड़े और NGO भी उनके साथ काम करने लगे। बाबा के काम पर इतना भरोसा किया जाने लगा कि कई डॉक्टर अब बाबा से दवाएं लेकर लोगों को देने लगे। बाबा ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं,
लेकिन अपने काम को पूरे पेशेवर ढंग से करते हैं। बाबा अपने काम पे पूरा सच्चे मन से और सच्चे इरादे से करते हैं, इसीलिए उनके पास जानकारी है। सच कहा जाता है कि हर चीज पढ़ाई और डिग्री नहीं होती। बाबा हर महीने 2 से 3 लाख रुपए तक की दवाएं जमा कर लेते हैं। हर रोज दिन के आखिर में इकट्ठा दवाओं को बकायदा कैटेलॉग करते हैं। इसमें दवाओं के बैच नंबर से लेकर उनके एक्सपायरी डेट तक सारी जानकारी होती है। किसी को दवा देने से पहले वो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन भी देते हैं। रोजाना शाम 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक वो गरीब और जरूरतमंदों को मुफ्त में दवा बांटते हैं। सोचिए ऐसा उपकारी बाबा कहाँ होगा, लेकिन ऐसा उपकारी बाबा मेडिसिन बाबा हैं जो दिल्ली में हैं। अहिंसा फाउंडेशन के सहयोग से काम कर रहे ओंकार नाथ कुछ संस्थाओं और एनजीओ को भी दवाएं दान देते हैं। बाबा की सीधी सादी और सुलझी हुई सोच है, मेरे मांगने से किसी की जिंदगी बच रही है तो इसमें क्या हर्ज है। सोचिए इतना ऊपर सोचते हैं बाबा। बाबा की सोच है कि अगर मेरे मांगने से किसी की लाइफ बच रही है तो इसमें क्या हर्ज है। बाबा दिल्ली के लोगों से चाहते हैं कि वो कम से कम एक पत्ता दवाई उन्हें दे, जिसे वो अपने नेटवर्क से जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। दिल्ली में कई जगह पर मंदिरों और अस्पतालों में बाबा ने डोनेशन बॉक्स भी लगा रखे हैं, जिसमें लोग दवाइयां डाल सकते हैं। आपने बहुत सारे डोनेशन बॉक्स देखे होंगे, चाहे मेट्रो की बात करें या तो किसी बड़े होटल की बात करें, लेकिन वहां पे पैसे दिए जाते हैं। लेकिन बाबा के डोनेशन बॉक्स में दवाइयां दी जाती है और वो दवाइयां किसी के उपकार और किसी के परोपकार के लिए जाती है। बाबा अपने इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में भी ऐसा बैंक खोलना चाहते हैं। भविष्य में एक बड़ा दफ्तर और स्टोरेज के लिए ज्यादा जगह किराए पर लेने की योजना भी बाबा बना रहे हैं, लेकिन फंड की कमी के वजह से विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। अपने आसपास के चिल्ले पों से हम इतने उलझे रहते हैं कि अपने जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियों से ऊपर उठकर नहीं देख पाते हैं, नहीं सोच पाते कि हम में से बाहर की एक दुनिया है और उसमें लोग रहते हैं। ऐसे में कोई अपनी कीमत पर दूसरों की सुध लेने निकल पड़े तो उसकी कहानी हमारे वक्त में जिंदा बची उम्मीद का बयां बन जाती है। तो दोस्तों अब आप भी समझ गए होंगे कि हमारे बीच एक ऐसा जीता जागता बाबा है जिसका नाम है मेडिसिन बाबा। मेडिसिन बाबा अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, मेडिसिन बाबा परोपकार के लिए, लोगों की भलाई के लिए करते हैं। सोचिए आज के समय पे बाबाओं के कितने करतूत सामने आते हैं। लोग अपना आलीशान घर बनाते हैं, अपनी साम्राज्य बनाते हैं और कई सारे उनके सुख की सुविधाओं के लिए उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मेडिसिन बाबा एक ऐसे बाबा हैं जो कि अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए जीते हैं। सोचिए आपने बहुत सारे बाबाओं की कहानी सुनी होगी, बहुत सारे बाबाओं के बारे में जाना होगा, लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि हमारे बीच, हमारे दिल्ली में, हमारे देश में एक ऐसा बाबा है जो लोगों के लिए जीता है। सच कहा जाता है कि अगर किसी में किसी के परोपकार के लिए सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा उसका इरादा हो, तो वो कुछ भी कर सकता है, और वो मेडिसिन बाबा के साथ हुआ। मेडिसिन बाबा आज लोगों के बीच इतना फेमस हो चुके हैं कि उनको लोग ढूंढते रहते हैं। बाबा रोज जिस प्रकार से भगवा कुर्ता पहनकर निकलता है तो बाबा ये सोचता है कि हम आज लोगों के लिए कुछ भला करेंगे। जी हाँ, ये बाबा मंगलापुरी से निकलता है और ये दिल्ली के अलग अलग शहरों में जाता है। इस बाबा की कहानी बहुत ही रोचक है, लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये बाबा कैसा बाबा है जिसके कुर्ते पर लिखा होता है कि चलता फिरता मेडिसिन बैंक। जी हाँ, बैंकों का नाम सुनते ही हमें बड़े बड़े बैंक याद आते हैं, बड़े बड़े बैंकों का पैसा दिखता है, लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि एक ऐसा भी बैंक है जहाँ पे पैसा नहीं होता। इस बैंक पे लोगों की भलाई के लिए दवाएं होती है, वो दवाएं हर प्रकार से होती है, हर नंबर से होती है, और वो दवाएं लोगों के हित में काम आती है। शुरू में लोगों का उन पर भरोसा नहीं था, हर किसी को होता है जब ऐसे लोग ये ऐसा काम करते हैं तो लोग सोचते हैं कि हो सकता है ये पागल होगा, लेकिन जब लोगों को समझ में आया कि बाबा ये पागल नहीं है, ये बाबा लोगों के लिए जी रहा है और ये बाबा ही एक ऐसा बाबा है जो इंसानियत को साबित कर रहा है। जब बाबा से उस सवाल पूछा जाता है तो लोग उल जलूल जवाब देते हैं कि बाबा ये कैसा होगा, तो बाबा उनको समझाता है कि ये कोई हम इससे अपनी
धरोहर नहीं बनाने वाले हैं, इससे हम अपना महल खड़ा करने वाले नहीं हैं। ये हमें किसी काम के नहीं है, हमें बेच कर पैसा भी इकट्ठा नहीं करना है। केवल और केवल हम लोगों की भलाई के लिए करते हैं, उन गरीबों के लिए करते हैं जिनके पास दवाई लेने के लिए पैसा नहीं होता, जिन लोगों को डॉक्टर मरहम पट्टी लगाकर वापस कर देते हैं, बड़े बड़े इलाज नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों की बाबा मदद करते हैं, उनको दवाई मुहैया कराते हैं। और ये बाबा की इंसानियत है कि बाबा अपने आप को इनके लिए समर्पित किया है, जो लोग अपने आप से हारे हुए हैं, जो लोग अपने आसपास, आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाबा को गलत साबित करने पे लगे होते हैं, बाबा को बोलते हैं कि आप गलत करते हैं। कुछ लोग तो परेशान होते हैं, लोगों में क्या है, लोग अपनी दिनचर्या अपनी कमजोरियों से परेशान होते हैं। हम लोग ऐसे हैं कि अपने आसपास के चिल्लपों में हम इतने उलझे हुए होते हैं कि हम अपने ज़िंदगी की छोटी मोटी परेशानियों से ऊपर नहीं उठ पाते, तो हम दूसरों के लिए क्या मदद करेंगे। लेकिन हमारे देश में, हमारे दिल्ली में एक ऐसे बाबा है, मेडिसिन बाबा, जो लोगों को परोपकार करते हैं, लोगों के लिए जीते हैं। हमें ऐसे बाबा से सीख लेनी चाहिए, ऐसे बाबाओं का साथ देना चाहिए। और जो भी आज इस बाबा की कहानी को सुन रहा है, इस बाबा के ट्रस्ट को बाबा के साथ दें और बाबा के इस अभियान को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ अभिषेक आपसे विदा लेता है। आप ऐसी जानकारी के लिए देखते रहें हमारा चैनल, और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।